एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस। लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस में अगर आप देखें, अगर कोई आदमी इसको बना रहा है, इसके मतलब उसका कुछ इनपुट आ रहा है जी, और जब वो बेच रहा है तो उसका आउटपुट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस स्कीम के अंदर जो बड़ी अच्छी चीज़ है, जो मैं सोचता हूँ कि अल्टीमेटली ये जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जो है, उसके ऊपर जा करके इसका नेट इफेक्ट पड़ता है। और इसके पहले जिस जगह पे और जितने भी पॉइंट्स पे आप टैक्स दे रहे हैं जी, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। और वो अगर अपने अकाउंट्स को ठीक तरह से मेंटेन करता है जी, तो उसको कहीं एक तो डबल टैक्सेशन नहीं है जी, दूसरा जो प्रोसेस लॉजिकल फ्लो अगर आप देखें जी, तो इसके अंदर आपने शुरुआत किया था शुरू में पैन कार्ड से, बिल्कुल, उसके बाद आपने किया आधार कार्ड से जी, उसके बाद आपने उनको बैंक से लिंक किया जी, आज आपने उसको क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया है जी। अगर आप देखें तो आप एक तरह से आपकी सारी स्पेंडिंग इनकम ये बड़ी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। और वो सारी चीजों को अगर आप रिकंसाइल करना चाहें, क्योंकि देखिए जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अल्टीमेटली क्लाउड में जा रही है, टेक्नोलॉजी में तो बड़ा बहुत बड़ा स्कोप है, तो आप जब भी चाहें किसी का स्टेटमेंट कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर आज आपने मान लीजिए कि किसी तरह से उसमें कुछ हेरा फेरी की, तो आपको ऐसा नहीं कि ये अकाउंट क्लोज हो गया है, वो कभी भी रिट्रीव रिकॉर्ड से किया जा सकता है। मेरा मतलब ये नहीं कि ये व्यापारियों को या काम करने वाले लोगों को हरेस करने का मतलब है, लेकिन एक सेंस ऑफ फियर जरूर रहेगा उन लोगों के ऊपर जो ऑनेस्ट डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू मेक द थिंग्स बेटर।